मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। कहने मतलब ये कि किसी भी चीज़ का आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये होता है कि यार मैं तो पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ, मेरे हाई स्कूल इंटर में जो है 81% मार्क्स आए थे, मैं सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर लूँगा। तो देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक चीज़ होती है कंपटीशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो MSc करके आए हुए हैं और उनको कंपटीशन के लिए क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स है, तो पूरा का पूरा लाइन चेंज हो गया। अगर आपने MSc में मान लीजिए मैथ पढ़ा है तो केवल मैथ से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में जो है सारे सब्जेक्ट का नॉलेज बराबर होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने अंदर जो है शालीनता लाइए और ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए। हर टॉपिक को पूरे डीपली पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। जब तक सिलेबस के अनुसार आप नहीं पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आज ही अपने टारगेट एग्जाम का, यानी कि आपने जिस एग्जाम को टारगेट किया, जैसे कि UPSI हो गया, MP पुलिस हो गया, मतलब बिहार का एग्जाम कोई हो गया, जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसको अपने टेबल के सामने दीवार पर चिपकाइए, एक एक टॉपिक को मार्क करके पूरे डिटेल में उसको पढ़िए, और उसके बाद उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। किसी का बाप भी आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 17 अक्टूबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप 2018, 19, 20, 21 सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर की हुई है। और देखिए, टेलीग्राम चैनल को जो है आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व छात्र दिवस को हम मनाते हैं 15 अक्टूबर को। देखिए, छात्र तो आप सभी हैं, लेकिन आप सबको ये नहीं पता है कि आपका दिन कौन सा है। ठीक है, तो छात्रों का दिन कौन सा है, 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व छात्र दिवस। यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, ये फोटो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ठीक है, तो इन्हीं के जो है याद में ये दिन मनाया जाता है। देखिए, ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आपको बता दूं, 2010 से संयुक्त राष्ट्र संगठन ने शिक्षा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के छात्रों के प्रति प्रयासों को स्वीकार करने के प्रयास में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में चिन्हित किया था। और 2021 का जो आपका विश्व छात्र दिवस है, इसकी थीम है लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, जिनकी याद में ये दिन मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। देखिए, जो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। और इनका बर्थ प्लेस बहुत बार अब तक एग्जाम में पूछा चुका है, याद रखिएगा अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को जो आपका धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, और इनका पूरा नाम भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो APJ का पूरा नाम हो गया अबुल पाकिर जैनिल आबदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक नंबर का सवाल है ये। और देखिए, 2002 में इन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था अब्दुल कलाम जी को। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में आप इसरो कहते हैं, तो ये जो है राष्ट्रपति बनने से पहले इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के साथ एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। और देखिए, एक वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में अपना करियर शुरू किया था। और इसके अलावा इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो में भारत के पहले सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SLV के परियोजना निदेशक के रूप में भी काम किया था। तो हिस्ट्री थी ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। यहाँ पे जो सबसे खास बात है कि 2002 में ये भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले थे ये भी एग्जाम में पूछा गया है।
देखिए, जो जो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जो है सबसे बड़ा सम्मान है भारत के नागरिकों के लिए। तो भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न भी दिया गया था। वीर सावरकर पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार आदि पुरस्कार जो है इनको दिए गए थे। और देखिए, विभिन्न शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्थानों और कुछ स्थानों का नाम भी डॉक्टर अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। जैसे कि जो आपका उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय जो था, यानी कि UPTU जो था, जिसको अंग्रेजी में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहा जाता था, तो UPTU का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय रख दिया गया है। और केरल में केरल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी रख दिया गया है इनकी मृत्यु के बाद। तो ये इनको इनके सम्मान में ये सारी चीजें की गई। बाकी इनको सम्मान कौन कौन से दिए गए? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और वीर सावरकर पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार। दूसरा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार रोपवे सेवा शुरू की जाएगी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का ये जिला वाराणसी यानी कि बनारस है। बनारस में पहली बार रोपवे सेवा शुरू की जा रही है, वो भी किस लिए? ट्रेवलिंग के लिए, ठीक है, परिवहन के लिए। और देखिए, रोपवे सेवा तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन परमानेंटली एक तरीके से कहा जाए ट्रेवल यानी कि परिवहन के लिए जो है ये सेवा अभी तक भारत में कहीं भी नहीं है। और ये सेवा भारत का दुनिया में कहाँ कहाँ अब तक है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहले ये चीज़ें, मतलब जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी उसको जान लीजिए। देखिए, जो ये रोपवे सेवा शुरू की जा रही है बनारस में, ठीक है, तो इसको जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर यानी कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर जो है इसको क्रियान्वित किया जाएगा। और देखिए, आपको बता दूं, ये परियोजना जो होगी तो इसकी लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में 80 और 20 के रेशियो में विभाजित होगा। यानी कि मान लीजिए, अगर इस परियोजना को लागू करने में 100 रुपये की लागत आती है, तो इस 100 रुपये में 80 रुपये कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। और 20 रुपये तो कौन देगा? ये उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। तो ये एक एग्जाम्पल था, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम 100% ही मानते हैं, तो उसमें 80% जो है इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी रहेगी इस रोपवे के निर्माण में, और 20% उत्तर प्रदेश सरकार की। और देखिए, जो वाराणसी यानी कि बनारस है, ये सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलिविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर होगा। तो ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, अब तक ऐसी सेवा कहीं भी शुरू नहीं की गई है परिवहन के लिए। देखिए, वैसे तो आप विभिन्न जगहों पे जाएंगे, आपने देखा होगा टीवी में भी रोपवे सेवा के बारे में, लेकिन वहाँ पे क्या था ना, वो एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे छोटे मोटे तौर पर इसको शुरू किया गया था। लेकिन अभी क्या बात हो रही है कि सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलिविया और मैक्सिको जो है इसके बाद दुनिया का तीसरा शहर होगा आपका बनारस यानी कि वाराणसी। देखिए, जो आपकी ये रोपवे परियोजना होगी बनारस की, तो इसकी कुल लागत 424 करोड़ रुपये होगी। और इस रोपवे से 4.2 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जाएगी। और ये सेवा कहाँ से कहाँ तक बनारस में शुरू हुई है ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, इस सेवा को जो आपका कैंट रेलवे स्टेशन है, जिसको आप वाराणसी जंक्शन के नाम से जानते हैं, और गोदौलिया के बीच में जो है ये करीब 220 केबल कार के माध्यम से उपलब्ध होगी। तो ये डिटेल्स थी वाराणसी में जो शुरू हुई है सार्वजनिक परिवहन सेवा, वो भी रोपवे के माध्यम से। देखिए, ये बहुत सबसे खास चीज़ ये है कि ना, ये अब तक दुनिया में रोपवे का उपयोग जो है बहुत कम लोग कर रहे हैं, और अब जो है बोलिविया और मैक्सिको के बाद जो आपका वाराणसी हो गया है, ये दुनिया का तीसरा शहर होगा जहाँ पर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे यानी कि रस्सी वाले मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। और देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ विशेष फैक्ट पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर कल संडे को मेरा 17 तारीख को मेरा पेपर है शिक्षक भर्ती का जूनियर हाई स्कूल का, तो थोड़ा सा आप उत्तर प्रदेश के फैक्ट बता दीजिएगा कल। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे सबको साथ में लेके चलना है, चाहे बंदा यूपी का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, चाहे जहाँ से भी हो, ठीक है, सभी मेरे स्टूडेंट हैं, सबको मैं बराबर प्यार करता हूँ। तो देखिए, आप आज हम बात करेंगे यूपी के बारे में डिटेल में। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका है राजस्थान, और दूसरे नंबर पर MP है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है इसका नाम काट दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर डिवाइड हो चुका है। तो अभी याद रखिएगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, फिर MP, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश है।
और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है यूपी, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू है। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, यहाँ पे दिख रहा है। राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का सारस या फिर क्रौंची, यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। इसमें बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, अंडरसेट कुछ भी जो है, मतलब जो मिलता है ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा फोटो इसका। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान, यहाँ पे देखिए तीर कमान दिख रहा है, मछलियाँ दिख रही हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ अशोक है, अशोका ट्री आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 24 जनवरी 1950 जो है ये स्थापना दिवस है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल द्विसदनात्मक है। देखिए, द्विसदनात्मक मतलब हो गया दो सदन, ठीक है। एक होता है जो उच्च सदन होता है उसको विधान परिषद कहते हैं, और जो निम्न सदन होता है उसको हम कहते हैं विधानसभा। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक है, और इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403+1, यानी कि टोटल 404। देखिए, 403 सीटों पर चुनाव होता है, और एक सीट पर किसी भी एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करते हैं भारत, सॉरी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है। तो टोटल 404 सीटें हैं, लेकिन 403 पे ही चुनाव होता है। 403 जो है विधायक चुन के जाते हैं जनता से, और एक विधायक जो है ये एंग्लो इंडियन को जो है अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और देखिए, विधान परिषद की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है, ये एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका इलाहाबाद में। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। और देखिए, 2011 का की जो जनगणना है तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्री जनसंख्या है 9,53,31,831, और पुरुषों की जनसंख्या है 10,44,80,510। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनगणना का एक वीडियो मैंने कल रात में अपलोड किया था, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन भी आपको मिल जाएगा, तो वहां पे क्लिक करके आप जो है यूपी की जनगणना का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के सारे आंकड़े मिल जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता का प्रतिशत है आपका है 67.7%, ये भी आंकड़ा जो है 2011 की जनगणना का है। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत है 57.2%, और पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है 77.3%। और उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को छूती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है तो इसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को, यानी कि 4 राज्यों को छूती हैं। और उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं, इसमें गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, चंबल और सोनमुख्य हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये आपका है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहाँ पे आप यूपी का मैप देख सकते हैं, इसमें सीमाएं देखिए आपको सारी दिख जाएंगी। और उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नेपाल के साथ में लगती है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य है इसको सभी लोग ध्यान सुनेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, और दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है ये लखीमपुर खीरी में है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और उत्तर प्रदेश का जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये बांदा जिले में स्थित है, ये घड़ियाल, डॉल्फिन और मछली के लिए फेमस है। ये सभी चीजें पूछी गई हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अगर आप बहराइच जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो है आपको जो है करतनी घाट अभयारण्य मिलेगा, ठीक है। ये दुर्लभ मैदानी जानवर यहाँ पे पाए जाएंगे, शेर वगैरह, शेर, चीते, भालू,
जो भी है, और जंगली सूअर वगैरह हिरण वगैरह पाए जाएंगे करतनी घाट अभयारण्य में, ये बहराइच में है। और एक है कैमूर अभयारण्य, ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है कैमूर अभयारण्य। और ये जो है चीता, तेंदुआ, काला हिरण और चिंकारा के लिए जो है फेमस है। और उत्तर प्रदेश में जो किशनपुर अभयारण्य है ये लखीमपुर खीरी जिले में है, ये खीरी, चीता, तेंदुआ और हिरण के लिए फेमस है। और एक है हस्तिनापुर अभयारण्य, नाम से तो लग रहा है कि हरियाणा में होगा लेकिन हरियाणा में नहीं है ना ही गुजरात में है। तो हस्तिनापुर अभयारण्य कहाँ पे है, मेरठ में है, ठीक है। तो ये मेरठ में है और ये लकड़बग्घा, मगरमच्छ और चीतल के लिए फेमस है। और उत्तर प्रदेश का जो चंद्र प्रभा अभयारण्य है ये बनारस में स्थित है, ये चिंकारा, सांभर और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए फेमस है। और उत्तर प्रदेश का जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है ये कानपुर के पास उन्नाव है, उन्नाव में स्थित है ये, और ये दलदली क्षेत्रों और प्रवासी पक्षियों के लिए विख्यात है। और एक है रानीपुर अभयारण्य, ये इलाहाबाद में स्थित है, ये बिल्लियों, जंगली मुर्गियों और काले हिरण के लिए फेमस है। और नेक्स्ट आपका है रामपुर पक्षी अभयारण्य, ये रामपुर में स्थित है, रामपुर जिले में, और ये झीलों के किनारे पक्षियों का प्रवास है। और नेक्स्ट आपका है महावीर स्वामी अभयारण्य, ये झांसी जिले में है उत्तर प्रदेश के, और ये बंदर और मोर के लिए फेमस है। तो उत्तर प्रदेश का आपने आज पूरा पोस्टमार्टम कर डाला, और इसको आप याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको आज ही के एग्जाम में मिलेंगे। अगर आप 10 बजे पेपर है तो आप जब 2 बजे निकलेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, आप मुझे थैंक यू जरूर लिखेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। तीसरा प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, तो देखिए ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 20 अक्टूबर को मनाता है। देखिए भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए 2016 से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मना रहा है। और 2021 का जो विषय है ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का, ये विषय है सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करने वाली ग्रामीण महिलाएं। चौथा है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किस स्थान पर युद्ध अभ्यास नाम के सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो देखिए सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है, ठीक है। और इसका जो आयोजन है ये अभी हाल ही में अमेरिका के अलास्का में किया गया। देखिए अमेरिका में संयुक्त बेस एल्म डार्फ रिचर्डसन अलास्का में इसका आयोजन अभी हाल ही में 15 से 29 अक्टूबर तक किया गया, यानी कि ये 15 अक्टूबर को शुरू हुआ, 29 अक्टूबर 2021 तक चलेगा, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास 2021 का जो 17वां संस्करण है ये अलास्का में आयोजित किया जा रहा है 15 से 29 अक्टूबर 2021 तक। और देखिए युद्ध अभ्यास के बारे में आपको बता दूं, युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका दोनों की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतः क्रियाशीलता को और बढ़ाएगा। और देखिए जो आपका युद्ध अभ्यास है इसका जो पिछला संस्करण था ये फरवरी 2021 में राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इसको याद रखिएगा पिछला संस्करण कहाँ पे किया गया था, राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और देखिए इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका दोनों की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ाना है। पांचवा की ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत 101वें स्थान पर है। देखिए भूखमरी सूचकांक यानी कि हंगर इंडेक्स सबसे खास इंडेक्स होता है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें पेट ही के लिए आदमी परेशान है। अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो किस लिए सोच रहे हैं, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी तो हम अच्छा खाना खाएंगे, तो सारी चीज़ें पेट के रास्ते ही जा रही हैं। पूरी दुनिया जो है एक कहावत है, पेट ना हो तो भेंट ना हो, मतलब पेट नहीं होता तो किसी से भेंट नहीं होता, ठीक है। तो सारी चीज़ें पेट के लिए चल रही हैं और इसी संबंधित ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 101वें स्थान पर है। देखिए जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये है यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, तो इसमें जो है 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान 101वां है, यानी कि इस बार 116 देशों पर सर्वे किया गया और इसमें भारत को 101वें स्थान पर रखा गया, यानी कि बहुत दुर्गम स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है भारत की, ठीक है। देखिए 2020 में जो यानी कि जो पिछला ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, तो 2020 में भारत 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर था, ठीक है।
तो पिछले साल 107 देशों में 94वें स्थान पर था भारत, और इस साल यानी कि 2021 में 116 देशों में 101वें स्थान पर है। देखिए, भारत का जो GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है, ये 50 में से 27.5 दर्ज किया गया है इस साल, जो कि गंभीर की श्रेणी में आता है। और देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान है, ये सभी खतरनाक की श्रेणी में है, लेकिन भारत की तुलना में ये अपने नागरिकों को खिलाने में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कौन कौन से स्थान पर रहे हमारे पड़ोसी देश, देखिए नेपाल इस सूचकांक में 76वें, और संयुक्त रूप से बांग्लादेश भी 76वें स्थान पर है, म्यांमार 71वें स्थान पर, पाकिस्तान 92वें स्थान पर है। और इन सबकी रैंकिंग याद रखिएगा, हमारे पड़ोसी देश हैं ये, इनकी रैंकिंग कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। देखिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 है, तो इसमें टॉप कंट्रीज कौन से हैं, देखिए चीन, कुवैत, ब्राज़ील सहित 18 देश जो है ये शीर्ष रैंक साझा कर रहे हैं, यानी कि एक साथ ये जो है टॉप पोजीशन पर है 18 देश, और इसमें चीन भी शामिल है टॉप कंट्रीज में। तो चीन, कुवैत, ब्राज़ील में भूखमरी बिल्कुल नहीं है। और देखिए, जो ये 18 देश टॉप पर हैं, तो इन 18 देशों का GHI स्कोर 5 से कम है। इसका मतलब ये है कि ये देश भूख और कुपोषण से बहुत कम पीड़ित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापता है और ट्रैक करता है। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है, सबसे बड़ा सवाल यह है। देखिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको वेल्ट, होंगर, हिल्फा और कंसर्न वाइल्ड लाइफ के द्वारा जो है संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान में जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये अनुमानों के आधार पर सूचकांक में कहा गया इसमें कि पूरी दुनिया 2030 तक भूख के निम्न स्तर को प्राप्त नहीं करेगा, यानी कि 2030 तक भुखमरी पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको हमने पूरे डिटेल में जान लिया। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से फटाफट सॉल्व कर लेंगे। छठा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं रितेश चौहान, इनको कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और जो रितेश कुमार चौहान है, तो इनका कार्यकाल जो है 22 सितंबर 2023 तक होगा। ठीक है, और ये जो है इस पद पर आशीष कुमार भूटानी का स्थान लेंगे, जिनको 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व खाद्य दिवस को हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए, हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में हमारे जीवन काल से भूख मिटाने के लिए ये दिवस यानी कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दूं, जो आपका वर्ल्ड फूड डे है, ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की तारीख को भी याद करता है, क्योंकि 16 अक्टूबर के दिन ही खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। और देखिए, जो आपका विश्व खाद्य दिवस है, तो इसके लिए 2021 की थीम है एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। और जो ये संगठन है, खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, मैंने बताया कि 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय आपका है इटली के रोम में। और जो आपका खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके वर्तमान में हेड है क्यू डोंग्यू। 8वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान की। देखिए, हेली हब मतलब हेलीकॉप्टर हब, ठीक है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा, इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। देखिए, जो ये हेली हब बनेगा, यहाँ से हेलीकॉप्टर न सिर्फ उड़ान भर सकेंगे, बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर पार्किंग से लेकर मरम्मत और ईंधन भरवाने की सुविधा भी होगी। और देखिए, इस हेली हब में हेली हब से गुरुग्राम शहर और शहर के बाहर दूसरे राज्यों के लिए भी हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भर सकेंगे। तो देखिए, जैसे एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, वैसे ये हेली हब भी काम करेगा। और पूरे भारत में 5 हेली हब बनाए जाने हैं, इनमें मुंबई के जुहू पर 20 से 25 हेलीकॉप्टर एक साथ संचालित करने की क्षमता वाला एक हेली हब बनेगा, और दूसरा बन रहा है आपका कहाँ पे, गुरुग्राम में। गुरुग्राम वाला जो हेली हब है, इसकी क्षमता 30 से 35 हेलीकॉप्टर की होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 30 से 35 हेलीकॉप्टर एक साथ लैंड कर सकेंगे, या फिर उड़ान भर सकेंगे, या फिर वहाँ पर स्टे कर सकेंगे। 9वां कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो देखिए, अभी हाल ही में प्रियंका है, ठीक है, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है, तो प्रियंक कानूनगो को भी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
देखिए भारत सरकार की तरफ से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार जो आपके प्रियंका कानूनगो हैं इनका नया कार्यकाल 17 अक्टूबर से आरंभ होगा और ये 3 साल की अवधि या फिर अगले आदेश तक इस पद पर जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। देखिए जो आपके प्रियंका कानूनगो हैं तो इनको 2018 में इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इनको जो है इस आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि एक बार फिर से जो है पुनर्नियुक्ति मिली है प्रियंका कानूनगो को। तो अब इनका कार्यकाल 3 सालों की अवधि के लिए बढ़ गया है। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है, प्रियंका कानूनगो। 10वां की निम्न में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए ये व्यक्ति आपके सत्य नडेला हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। देखिए बिहारी में माइक्रोसॉफ्ट के 4 शीर्ष लीडर्स जो हैं उनको 2030 तक माइक्रोसॉफ्ट को कार्बन नकारात्मक कंपनी में बदलने, यानी कि कार्बन फ्री कंपनी में बदलने और 2050 तक इसके सभी ऐतिहासिक उत्सर्जन को हटाने के लिए इनके सहयोगी नेतृत्व के लिए जो है इन सभी को सी के प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। तो सी के प्रहलाद पुरस्कार इस साल 4 लोगों को दिया गया, ये चारों माइक्रोसॉफ्ट के जो है एक तरीके से कहा जाए पदाधिकारी हैं। देखिए जो सत्य नडेला हैं इनको तो इनका नाम तो आपने जान ही लिया। देखिए इनके साथ जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं बैड स्मिथ और माइक्रोसॉफ्ट के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं एमी हुड और जो मुख्य पर्यावरण अधिकारी हैं माइक्रोसॉफ्ट के लुकास चोपी, तो इन तीनों को जो है ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए ये सी के प्रहलाद पुरस्कार इस वर्ष दिया जा रहा है। सी के प्रहलाद पुरस्कार के बारे में जान लीजिए 2 लाइन में। देखिए ये पुरस्कार 2010 में कॉरपोरेट इको फोरम के द्वारा इसके संस्थापक सलाहकार बोर्ड के सदस्य सी के प्रहलाद के सम्मान में बनाया गया था और ये पुरस्कार वैश्वीकरण की दुनिया में यानी कि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता के बीच मौलिक संबंधों का उदाहरण देने के लिए विजेताओं को मान्यता देता है। 11वां प्रश्न की केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को फास्फेटिक और पोटास खाद पर कितने करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की है? तो देखिए केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को घोषणा की कि वो जो है फास्फेटिक और पोटास यानी कि PNK खाद जो है इस पर कुल 28,655 करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी देगी और इस सब्सिडी से क्या फायदा होगा, ये खाद सस्ती हो जाएगी। तो केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी से रबी सत्र 2021-22 के दौरान किसानों को सभी फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों को रियायती यानी कि सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ये सब्सिडी यानी कि 28,655 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। और इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों के स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से समानता के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो देखिए इन स्कूलों की संख्या टोटल 100 है, यानी कि टोटल 100 सरकारी क्षेत्र के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल होंगे उनको जो है सैनिक स्कूल सोसाइटी से जो है एफिलिएशन दिया जाएगा और इसका मकसद होगा बच्चों में मूल्य आधारित शिक्षा, चरित्र के साथ प्रभावी नेतृत्व, अनुशासन आदि को बढ़ावा देना। देखिए आपने देखा होगा वैसे भी जो आर्मी स्कूल के बच्चे होते हैं बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न ये, केंद्र सरकार ने आवासन संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं, इसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए जो गर्भ की समय सीमा है इसको 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया है? तो देखिए इसको 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। फिर से सुनिएगा, आवासन संबंधी जो नए नियम हैं ये अधिसूचित किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में और अब जो है कुछ विशेष श्रेणी की जो महिलाएं होंगी, यानी कि मान लीजिए पेट में बच्चा है और बच्चा डैमेज हो गया है, बच्चे में कोई दिक्कत है तो उसके लिए जो है गर्भपात के लिए नए नियम आ गए हैं। अब समय सीमा इसको 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। देखिए जो गर्भपात से जुड़े ये नए नियम हैं ये मार्च 2021 में संसद के द्वारा पारित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत हैं और ये नए नियम के तहत जो है कुछ विशेष श्रेणी की जो महिलाएं होंगी इनके मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह यानी कि 20 सप्ताह मतलब हो गया लगभग 5 महीने, तो 5 महीने से बढ़ाकर इसको 6 महीने कर दिया गया है। वैसे बच्चा कितने महीने में पैदा होता है, 9 महीने में। ठीक है,
तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन ऑफ डे पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने, बताइए। अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर लेगा। और अगला प्रश्न आपके लिए कि अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की, बताइए आंसर। और अगला प्रश्न आपके लिए कि अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने किसे बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि अक्टूबर 2021 में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जारी किया है, बताइए। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि एडीबी ने 2019 से 2030 जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य बढ़ाकर अब 20 अरब डॉलर से कितना कर दिया है, बताइए। देखिए ये सभी आंकड़े जो कल के वीडियो मैंने दिए थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि विश्व मानक दिवस कब मनाता है, यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस भी कहते हैं। तो देखिए विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाते हैं हम। और दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाता है, तो ये भी 14 अक्टूबर को ही मनाया है। और तीसरा था कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाता है, तो ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाता है। चौथा था कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये जयपुर में शुरू किया गया। और पाँचवा था वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने, तो इनका नाम क्या है, सज्जन जिंदल। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।